आपकी त्वचा सांप की तरह हो जाती है। जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि आपको नाक दोष है। ऐसे बहुत से लोग हैं। अब मैं ऊर्जा में खास तरह के बदलाव की बात कर रहा हूं, इसलिए आपको इसे एक तरीके से रखना होगा, वरना यह आपके अंदर जीवित हो जाएगा। ये एक विचित्र देश है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो सर्प दोष से गंभीर रूप से प्रभावित हैं। यूं समझिए कि जिसे आप सर्प दोष कहते हैं वो आमतौर पर त्वचा को प्रभावित करता है। आज आधुनिक चिकित्सा इसे बकवास कहकर छोड़ देती है। अंधविश्वास पर हम आपको त्वचा रोग के कुछ मामले बता सकते हैं। अब चाहे जो करें, आप नहीं पहचान सकते कि वो क्या है। अपनी दवा से तो आप उसे बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते, चाहे आप जिस तरह की भी दवा कर दें, चाहे आप किसी भी तरह की दवा दें। और इसके एक दो मामले नहीं हैं, ये कई तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो प्रकृति में कुछ दूसरे पहलू भी हैं जो आपकी सेहत और खुशहाली को प्रभावित करते हैं। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं जो खुद को सूक्ष्म स्तर पर पंच प्राण या सिस्टम में मूल ऊर्जा के 5 रूपों की तरह प्रकट करते हैं। इसका एक पहलू सीधा और नजदीकी से इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसे हम सांप कहते हैं। इसे समझने के लिए हमें इसे इस तरह देखना होगा। यह केवल आपके मन में है, यह आपको लगता है कि आप एक अलग जीवन हैं। जहां तक इस ग्रह का सवाल है, तो आप कीट पतंगा सांप हाथी भैंस और पेड़ और सब कुछ एक बराबर है। ये बस खुद को कई अलग अलग तरीकों से प्रकट करता है और वापस ले लेता है। आपकी अपने बारे में धारणाएं हैं, वैसे ही चींटी को अपने बारे में धारणाएं हैं। लेकिन जहां तक पृथ्वी का सवाल है, यह अलग अलग तरह के जीवों के रूप में खुद को प्रकट करती है और जब समय आता है तो उन्हें वापस खींच लेती है। आपकी सभी धारणाएं, चाहे आपकी अपने बारे में जो भी धारणाएं हों, जब धरती मां आपको वापस लेने का फैसला करती हैं, तब आपकी ये धारणाएं कहां जाती हैं? आप एक किताब लिख सकते थे, कोई उसे पढ़कर भ्रमित हो जाता है, लेकिन सभी को, हर किसी को वापस ले लिया गया है ना, हर किसी को। जहां तक पृथ्वी का सवाल है, आप कीड़ा कीट सांप पक्षी पेड़ ये सभी एक ही चीज हैं। ये धारणा कि मैं ये हूं, ये आपकी धारणा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, ये आपको वापस खींच लेगी और अपना ही एक हिस्सा बना लेगी। कोई कहीं नहीं गया है यहां के अलावा, है ना। तो द एनर्जी इज द सेम, द मटेरियल इज द सेम, यू एंड द स्नेक, यू एंड द इंसेक्ट आर मेड द सेम वे, सो नोबडी कैन क्लेम इट इज ऑल दैट यू आर समथिंग डिस्टिंक्ट लाइफ। ऊर्जा वही है, सामग्री भी वही है, आप और सांप, सांप और कीड़ा एक ही तरह से बने हैं। तो कोई यह दावा नहीं कर सकता कि आप एक अलग जीवन हैं। कोई अलग जीवन नहीं है। यहां तक कि विज्ञान भी यही कहता है कि हम सब कार्बन से बने हैं। क्या आप सिलिकॉन से बने हैं? नहीं, कार्बन। तो ये सब एक ही चीज है, एक ही तरह से बनी है। एक पत्ती या एक पौधे की कोशिका और आपकी कोशिका, यह बहुत अलग नहीं है। ये केवल विकास है, बस थोड़ा सा अलग ग्रेड। सामग्री वही है।
तो कुछ कारणों से ऐसा होता है कि आपकी व्यान वायु या व्यान प्राण एक खास तरीके से बर्ताव करती है, इसलिए आपकी त्वचा सांप की तरह हो जाती है। तो जब ऐसा होता है तब हम कहते हैं कि आपको नाग दोष है। तो इससे छुटकारा पाने के कई तरीके हैं। पता है भारत में ऐसे लोग हैं कि अगर आपको सांप काट ले तो बस एक मंत्र बोलकर वो आपका जहर उतार देंगे। पता है आपको, दूर से आपने कर्नाटक के अनेकल में उस आदमी के बारे में सुना है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ था, एक स्टेशन मास्टर। आपको बस उसे फोन करना है, अपना नाम बताना है और किस सांप ने काटा है ये बताना है। वो जहां है वहीं से आपका जहर उतार देगा। ये बात साबित हो चुकी है, ये कोई मजाक नहीं है और ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसे जाने कितने लोग रहे हैं। तो जीवन को समझने का एक तरीका उसकी केमिस्ट्री है और जीवन को समझने का दूसरा तरीका, इसको जानने का बहुत सूक्ष्म तरीका है, इसकी ऊर्जा। तो जब हम कहते हैं सर्प दोष, हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं जो एक सांप की तरह हो गई है। क्या आप जानते हैं आपके दिमाग में एक रेप्टिलियन ब्रेन है? आपके दिमाग का लगभग इतना हिस्सा एक सांप के दिमाग जैसा है। आपके दिमाग के अंदर एक दिमाग होता है जिसका आकार लगभग एक मगरमच्छ के दिमाग जितना होता है। ये सभी इंसानी दिमाग नहीं है, अंदर एक रेप्टिलियन ब्रेन भी है। तो वो सांप अपने आप को प्रकट कर सकता है क्योंकि आपकी ऊर्जा एक खास तरीके से काम करना शुरू कर देती है, जिसे कुछ चीजें करने से शांत किया जा सकता है। हमने भैरवी मंदिर में सर्प सेवा स्थापित क्यों की, और ये सर्प सेवा दीमक के टीले की मिट्टी से की जाती है। क्या आप ये जानते हैं, हम दीमक के टीले की मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आप इसे क्या कहते हैं, पुत्तमन्नु। तो इसके साथ लोग सर्प सेवा कर रहे हैं। तो आपकी ऊर्जा में एक साधारण बदलाव से इससे राहत मिल सकती है। तो क्या यह इस वजह से है कि किसी सांप ने आपको श्राप दिया था? देखिए, ये बस इसे देखने का एक संवादात्मक तरीका है। क्या यह एक अंधविश्वास है कि सांप ने आपको श्राप दिया? बात यह नहीं है, यह बस अभिव्यक्ति का एक तरीका है। अब मैं आधुनिक विज्ञान की बोली को एक अलग ढंग से बोल रहा हूं। अब मैं एक खास तरीके से ऊर्जा में बदलाव, आपका रेप्टिलियन ब्रेन और इन सब के बारे में बात कर रहा हूं। एक तरह से यह सांप का श्राप है। जब आपको यह मिले तब यह श्राप है ना? जब यह आपको लग जाए तो यह सच में श्राप है ना? तो यह सिर्फ एक संवादात्मक अभिव्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि कोई सांप कहीं बैठा है और आपको श्राप दे रहा है, बल्कि आपके अंदर एक तत्व है जो बिल्कुल सांप जैसा है। आप में एक ऐसा तत्व है जो बिल्कुल मछली जैसा है। आप में एक तत्व है जो बिल्कुल जानवर जैसा है, और वो उभर सकते हैं। इसे कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता, यहां तक कि आधुनिक विज्ञान भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ये सभी जानवर आपके अंदर किसी निष्क्रिय रूप में मौजूद हैं, है ना? विकास की प्रक्रिया इस शरीर में बिल्कुल मौजूद है और कई तरह के कारणों से ये जीवित हो सकते हैं। ये सांप का ही श्राप है। सांप के श्राप का मतलब ये नहीं है कि कहीं बाहर एक सांप बैठा है और आपको श्राप दे रहा है। आपके अंदर एक सांप बैठा है जो आपको श्राप दे रहा है, और इससे खास तरीके से निपटा जा सकता है क्योंकि ये काफी सामान्य समस्या है। यही कारण है कि हमने लोगों के लिए सर्प सेवा की स्थापना की, हमने मंदिर बनाए। तमिलनाडु के दक्षिणी छोर का एक गांव नागरकोइल में, वहां एक और मंदिर है सर्प। क्या है वो? केरल में एक मशहूर मंदिर है मनारशाला। ये जो भी है, ये एक बहुत मशहूर नाग मंदिर है। तो हर जगह उन्होंने ये चीजें स्थापित की ताकि लोग इससे राहत पा सकें।
विकास की प्रक्रिया में सांप एक बहुत जरूरी पहलू है और जीवन के विकास में सांप एक बहुत ही जरूरी कदम है और इसीलिए यही वजह है कि भारत में अगर आप किसी सांप को मार देते हैं तो आप उसका अंतिम संस्कार करते हैं। आपको पता है लोग वाकई उसे अंतिम संस्कार देते हैं, जानते हैं आप? हाँ, वो एक सिक्का और दूध घी कुछ भी डाल देंगे। आप लोगों के लिए, किसी इंसान के लिए जो कुछ भी करते हैं वो तो करते हैं क्योंकि वो एक स्तर पर आपसे गहराई से जुड़ा होता है। खैर, आधुनिक अभिव्यक्ति ये है कि आपके पास एक रेप्टिलियन ब्रेन है। योग में अभिव्यक्ति ये है कि जीवन के विकास में सांप एक महत्वपूर्ण कदम है, तो आपको इसे एक खास तरीके से रखना होगा वरना ये आपके अंदर जीवित हो जाएगा। ये एक ऐसा प्राणी है जिसकी जीवन ऊर्जा वैयक्तिक नहीं है, ये उसके पूरे कुल के लिए व्यापक है। ये एक ऐसा आयाम है जिसे सांप अपने व्यान प्राण पर एक खास महारत से हासिल करता है। ये कोई शक्तिशाली रूप है जिसे किसी ने बनाया और दुनिया भर में घूमने के लिए छोड़ दिया। वो हर जगह हैं, खासकर कुछ ऐसी जगहों पर जहां कुछ तंत्र अभ्यास चल रहे थे, उन जगहों में ये बहुत ज्यादा है। वो उपचार और कल्याण का एक महत्वपूर्ण जरिया बन जाएगा।